मैन वुमन फादर मदर ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ गर्ल बॉय बॉय एंड गर्ल किंग एंड क्वीन एनिमल्स में कुछ मेल फीमेल जो रोज आप लोग प्रयोग करेंगे केवल उतना ही सिखाना काफी है, उसके बाद धीरे धीरे और जैसे जैसे लेसन्स में अगर वर्ड्स आते चले जाते हैं तो वो बच्चे धीरे धीरे सीखें। ये एक अच्छा तरीका है जो हम लोगों ने ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। इसमें हमको सफलता इसलिए मिलती है कि हम बहुत थोड़े वर्ड्स इंट्रोड्यूस करते हैं, बच्चों को एक बार आइडिया हो जाता है, उसके बाद लेसन की डिमांड के हिसाब से या आप अगर कोई उनको रचनात्मक काम करा रहे हैं, कोई क्रिएटिव राइटिंग करा रहे हैं, उसमें जरूरत पड़े तो आप उनको और फीमेल और मेल बताते चले। मेन तो यही है लायन लायनेस टाइगर टाइग्रेस पीकॉक पी हेन बुल एंड काउ शीप एंड ईव डियर एंड डो डॉग एंड बिच अब जैसे मैंने डॉग एंड बिच का आपको उदाहरण इसलिए देना चाहती हूं कि बिच जो वर्ड है जैसे हिंदी में शी डॉग के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको अच्छे सेंस में नहीं लिया जाता है, उसको एक तरीके से गाली ही समझा जाता है। इसी तरीके से बिच भी इंग्लिश में अच्छे सेंस में नहीं यूज होती है। तो जहां आपको खास तौर से फीमेल डॉग का जिक्र करना है जैसे कि फीमेल डॉग ने बच्चे दिए तब आप बिच वर्ड इस्तेमाल करें और वरना उसको ज्यादा सिखाने की भी जरूरत नहीं होती है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें कि मेल और फीमेल जो है वो ही और शी लगाकर भी पूरा किया जाता है जैसे कि ही मंकी और शी मंकी ही मंकी और शी मंकी ही स्नेक एंड शी स्नेक इस तरह भी कई बार हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मदर मंकी क्योंकि जब हमें बताना है खासतौर से कि उसका लिंग तब हम उसमें ही और शी लगाकर भी जेंडर को चेंज करके समझा सकते हैं। जो ऑक्यूपेशन होते हैं या किसी का पद होता है उसमें ज्यादातर जेंडर चेंज नहीं किया जाता। आप लोग इस चीज का ध्यान रखें जो पद होता है या जो ऑक्यूपेशन होता है उसमें जेंडर चेंज नहीं किया जाता। टीचर टीचर ही रहता है, टीचर डॉक्टर
जेलर, इंस्पेक्टर, डायरेक्टर, ये सारे जितने भी पद होते हैं, ये सारे ही पद जो हैं, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए एक से लगाए जाते हैं। पहले एक्टर का हिंदी एक्टर का फीमेल एक्ट्रेस होता था, लेकिन आजकल इसको भी एक्टर ही कहने लगे हैं और उसको सही माना जाता है। आजकल के जो नए मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, टीवी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, ज्यादातर आप देखिए उन्होंने इसको भी आसान कर दिया है और जो हीरोइंस हैं उनके लिए भी एक्टर ही वर्ड यूज किया जा रहा है। हालांकि हीरो और हीरोइन आप बच्चों को सिखा सकते हैं और जरूर सिखाइए, क्योंकि इससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं, हीरो इज मेल एंड हीरोइन इज फीमेल। एनिमल्स के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसको तभी आगे बढ़ाइए जबकि आपके पास इस चीज की जरूरत हो, वरना नहीं, कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे डो, डियर का फीमेल होता है डो, डी ओ ई डो, लेकिन डो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। जब भी हम लोग जंगल के एनिमल्स की बात करेंगे या कोई भी स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें डो बहुत रेयरली यूज होगा। इसलिए छोटे बच्चों में जहां जैसे इंग्लिश की स्टार्टिंग है, व्हेन यू आर जस्ट बिगिनिंग द लैंग्वेज, देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग इन टू सच डिटेल्स। जस्ट इन्फॉर्म द चिल्ड्रेन दैट देर आर मेनी फीमेल नेम्स विच वी विल बी यूज लर्निंग लेटर ऑन। थैंक यू। ठीक है।